लॉकडाउन के चलते टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद टीवी शोज और फिल्मों की शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बीच देखा जाए तो तमाम सितारे कोरोना वायरस के चलते कई बड़े फैसले लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर देखने के बाद शूटिंग करने से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में खबरें सामने आई हैं, टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सुपरहिट शो भाभी जी घर पर है मैं अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए आप सभी को दीवाना करने वाली एक्ट्रेस सौम्या टंडन को लेकर। बीते लंबे समय से लगातार सौम्या टंडन काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। वहीं सौम्या टंडन को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि सौम्या टंडन भी कोरोना वायरस के चलते काम करने से इनकार कर चुकी हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि सौम्या टंडन जल्द ही सीरियल भाभी जी घर पर हैं को अलविदा कहने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि इसी हफ्ते सीरियल भाभी जी घर पर हैं की शूटिंग खत्म कर लेंगी और इसके बाद सौम्या टंडन इस शो को अलविदा कह देंगी। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि आखिरकार सौम्या टंडन को कौन सी एक्ट्रेस रिप्लेस करती हुई नजर आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि बिग बॉस सीजन 13 की एक्स कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला सौम्या टंडन को रिप्लेस कर सकती हैं। वेल, जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2015 में सीरियल भाभी जी घर पर हैं टीवी पर टेलीकास्ट हुआ और सौम्या टंडन ने इस सीरियल के जरिए अनीता के किरदार से अपनी खास पहचान बना ली। वहीं बीते 5 साल से सौम्या टंडन इस शो का हिस्सा हैं और लगातार अपने दर्शकों को एंटरटेन करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं देखा जाए तो फिलहाल खबरों के मुताबिक सामने आया है कि सौम्या टंडन को शो से रिप्लेस कर दिया गया है और उनकी जगह लेती हुई नजर आएंगी शेफाली जरीवाल। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।